नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। बोकारो के चास में स्थानीय क्रांतिकारी बेरोजगार संघ ने थाना के समक्ष प्रदर्शन किया और मेमोरेंडम भी सौंपा गया। इस प्रदर्शन की मुख्य बात यह है कि ग्रामीणों पर जो सिविल केसेस हुई है उस पर क्रिमिनल केस लगा दिया गया है, जिसको हटाने की मांग की जा रही है। स्थानीय क्रांतिकारी बेरोजगार संघ द्वारा चासनगर मुफलिस थाना के समक्ष प्रदर्शन किया गया और मेमोरेंडम सौंपा गया। इस प्रदर्शन का मुख्य बात ये थी कि ग्रामीणों के ऊपर जो भी सिविल केसेस हुई है उन पर क्रिमिनल केस लगा दिया गया है, जैसे कांड संख्या 76 को विशेष रूप से दर्शाया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये काम जो प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, इसमें गरीब लोगों के साथ जाति हो रही है। यदि कोई सिविल केस है तो उसे सिविल कोर्ट में ही भेजा जाए, ना कि क्रिमिनल केस बनाया जाए। इस विषय में संघ के अधिकारियों ने थाना प्रभारी को मेमोरेंडम सौंपा है कि आगामी 10 दिनों के भीतर ये सभी केस में सीडी या चार्जशीट में खारिज करने का कष्ट करें, अन्यथा संघ द्वारा और बड़ा प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। प्रभारी से मिलकर क्या मांग किया और उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उनसे हम लोग प्रार्थना किए कि भाई सिविल केस को कभी क्रिमिनल में चेंज मत कीजिए, सिविल को सिविल में भेजिए, क्रिमिनल को क्रिमिनल में भेजिए, नहीं तो बहुत लोगों को, शरीफ और गरीब लोगों को तकलीफ होगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मैं करूँगा और आश्वासन भी दिया, एक केस का एग्जाम्पल भी दी, बोले ठीक है इसका भी पक्ष में रखूंगा, तब डायरी भेजूंगा। आप लोग आज के जो वार्ता हुआ उससे आप लोग संतुष्ट हैं? हम लोग अभी आश्वासन दिए हैं, अगर कार्य ऐसा किए तो संतुष्ट हैं, कार्य नहीं किए तो हम लोग आगे प्रोग्राम को रखेंगे, आंदोलन करेंगे। एसपी के यहाँ भूख हड़ताल देंगे, डीजीपी के यहाँ भूख हड़ताल देंगे, आंदोलन जारी रहेगा। ये एक आदमी के लिए नहीं है, ये सार्वजनिक सभी के लिए है। कभी भी थाना में कुछ भी कर सकता है, लोग बड़े आदमी लोग पैसा देकर कुछ भी कर सकता है। इसका इसको बंद करने के लिए कोई भी धारा लगा के आपका जेल ले जाएगा। मान लीजिए कोई भी धारा लगा के आप कुछ नहीं किए फिर भी धारा लगा देगा, और इस पद्धति को हम लोग खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, इसको लेकर आप लोग किसी बड़े पदाधिकारी से मिले? एसपी से मिले थे, डीआईजी से मिले थे, डीएसपी से मिले थे, आपका डीजीपी से नहीं मिल सके तो मेमोरेंडम दिए थे, गए वहाँ कोरोना में वेट नहीं किए। क्या नाम हुआ? शक्ति शर्मा, शक्तिपाल शर्मा। हो मामले में आपसे मिलने के लिए आया था, क्या बात हुई और क्या आश्वासन दिया है और उन लोगों का क्या डिमांड? इसमें इन्होंने अपना पक्ष रखा कि बढ़िया से जाँच करके अधिकार का अनुसंधान चल रहा है, बढ़िया से दोनों का पक्ष लिया जाएगा, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। किस संबंध में है सर ये मिल रहा है? ये स्थानीय क्रांतिकारी बेरोजगार संघ के और इन्होंने एक ज्ञापन दिया है जिसमें जमीन सर, जैसे इन लोगों का आरोप है कि जमीन के मामले में धारा जो है वो गलत लगा दिया जा रहा है, केस किया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? इसमें पहले जांच की जाती है, जांच में जो दोषी होते हैं उसके बाद ही सत्य पाए जाने के बाद ही कार्रवाई होती है। इसमें दोनों को पक्ष लिया जाता है, उसके बाद कार्रवाई। ठीक, क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे एचबीएन न्यूज़।